हाय गाइस, इस वीडियो के पार्ट वन में हमने अजय के साथ डिस्कस किया था कि सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या टिप्स एंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम अगर हमारा क्वालिफाई हो जाता है तो किस तरह से हम पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं। तो यहाँ पर अजय हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए इस वीडियो का, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो सके कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखते हुए पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन अजय के साथ। सपोज अगर हमने CSIR क्वालिफाई कर लिया, देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? कैसे CSIR क्वालिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? एक्चुअली हम लोगों के लिए तो रिजल्ट का वेट करना ही सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप था, क्योंकि 3-4 महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में। ओके बट इस बार क्या है कि बहुत अच्छा ये चीज है कि आपका एग्जाम के जस्ट 15 डेज बाद ही आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा, तो आपको प्लानिंग करने के ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपकी प्लानिंग पहले से ही होनी चाहिए। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि भले ही आपको रिजल्ट 15 दिन बाद पता चल जाएगा, आपको जैसे आपका 15 दिसंबर को एग्जाम है और आपको रिजल्ट पता चलेगा 13 दिसंबर को, तब तक भी काफी लेट हो चुका होता है, क्योंकि जो जैन वाले सेशन के फॉर्म निकलते हैं पीएचडी के लिए वो सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके और दिसंबर में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आपको डेफिनेटली वेट करना होगा जून वाले या अगस्त वाले सेशन के लिए। ओके तो उसके फॉर्म निकलना स्टार्ट होते हैं मई अप्रोक्स मई मिड मई या लास्ट मई में सारे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि पीएचडी के लिए अगर आपकी प्लानिंग है, जो कि होनी ही चाहिए क्योंकि पीएचडी अब मैंडेटरी है किसी भी अगर आपको फील्ड में जाना है। ठीक है, तो नेट के बाद पीएचडी अगर आपको करनी है तो आपको इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म्स के ऊपर नजर रखनी होती है, किस इंस्टीट्यूट के फॉर्म निकल रहे हैं किसके नहीं निकल रहे होते हैं। आपको अपनी एक लिस्ट तैयार करनी होती है कि ये इंस्टीट्यूट्स मेरी हिट लिस्ट में है, इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में मुझे इंटरव्यू देना है, इन इंस्टीट्यूट में मेरे जाने का इंटरेस्ट है, उनकी आप लिस्ट तैयार करके रखो। फिर उनके आप फॉर्म्स देखो कब उनके फॉर्म निकल रहे हैं, फॉर्म उनके अप्लाई करो। किसी किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि अगर आपके पास JRF भी है तब भी उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद फिर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको कोई रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है तो वो वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, वो आपको सर्च करना होगा किस इंस्टीट्यूट की क्या पॉलिसीज है, कैसे वो एडमिशन लेते हैं। ओके तो इन सब के बाद जब आप एंट्रेंस वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से इंटरव्यू देना होता है। एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग एरिया पे काम कर रहे होते हैं, किसी का कोई स्पेसिफिक होता है किसी का कोई स्पेसिफिक होता है, तो आपको डिसाइड करना होगा कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। ठीक है, उस हिसाब से आप करोगे, रैंडमली आप किसी भी इंस्टीट्यूट के फॉर्म ऐसे नहीं भर सकते। तो यानी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना होता है, भले ही आपने CSIR NET क्वालिफाई किया है उसके बावजूद भी आपको इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ CSIR रैंक के बेसिस पर कॉल कर लेते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स काफी कम हैं जो कि बिना एंट्रेंस या बिना इंटरव्यू के आपको एडमिशन दे देते हैं, और जो देते भी हैं तो वो इतना कुछ खास इंस्टीट्यूट नहीं है। जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उनका यही पैटर्न है, आपके पास जो JRF होंगे उनको ही वो कॉल करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वही सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, फिर जो एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं वही इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। उनके 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, कहीं कहीं 3 राउंड भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कुछ इंस्टीट्यूट है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका क्या इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, कहाँ आपको जाके किस एरिया में आपको रिसर्च करनी है, क्या बायोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी आप डिस्कस करना चाहते हो, जिनके बारे में आप काम करना चाहते हो। अगर ये सब आपको पहले से पता हुआ है देन इट्स बेटर। तो जैसे गाइड हमारे पीएचडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं गाइड को कि किस गाइड के अंडर हमें पीएचडी करना है? जैसे सपोज 2 या 3 साइंटिस्ट हैं जो सेम रिसर्च, जिस रिसर्च को मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, सेम उसी रिसर्च में वो काम कर रहे हैं, तो इन 2 या 3 साइंटिस्ट में ये मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सा गाइड मेरे लिए बेटर रहेगा? और सपोज मुझे तीनों जगह से ऑफर है, तो इस केस में मैं कैसे, हम कैसे सेलेक्ट कर पाते हैं गाइड को? अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है,
अपने अगर ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि कौन से इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा है, और अगर आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि वहाँ पे कौन कौन से साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेजर काम यही होता है। उसके बाद जो काम आता है वो वेरी सिंपल है, आप उन जो जो भी साइंटिस्ट हैं उनकी जो लैब मेंबर्स हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी कर चुके हैं उनकी लैब से आप उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे आप पूछो कि सर का साइंटिफिक अप्रोच कैसा है, फंडिंग के इशूज तो नहीं है लैब में, पब्लिकेशंस कैसे आते हैं, कोलोबरेशंस कितना है, क्योंकि कोलोबरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा है जो कोलोबरेशंस के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी लैब ज्वाइन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक पब्लिकेशंस कैसे जर्नल में है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, दूसरा कोलोबरेशंस कैसा है, फ्रीडम कैसी है लैब में। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोई लैब ऐसी होते हैं कि वहाँ पे साइंटिस्ट जो होता है पीआई वह सब डिसाइड करके रखता है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते वो लोग। तो ऐसी भी लैब नहीं होना चाहिए, आप साइंटिस्ट बनने वाले हो तो आपको अपना दिमाग भी यूज करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी ने जो रास्ता बना दिया उसी के थ्रू आप चले जा रहे हो, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और फंडिंग के इश्यूज नहीं होने चाहिए लैब में, फंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होगी तो आप अपना रिसर्च वर्क इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब जो इंटरनल चीजें हैं वो आपको जब आप कोई इंटरनल पर्सन से बात करोगे तभी आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच अजय, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो आई होप गाइज जो आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, वो हमने इस वीडियो में अजय से पूछ लिए हैं। इनकेस कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जो हम नहीं पूछ पाए हैं तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको ये क्लियर हो सके कि किस तरह से हम किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।